Good morning prep class. Today we are going to start math subject, okay? And today we will start your new chapter and chapter unit kuch bhi ho sakta hai, anything. Unit 5 and topic is addition. Addition means jodna. ओके एडिशन मींस क्या है ना एडिशन मतलब पुटिंग टुगेदर एक साथ सारी चीज़ को जोड़ के जो होता है उसको हम बोलते हैं एडिशन ओके जैसे देखो यहाँ पे देखो एक पेड़ पे एक ही पैरट बैठे हैं फिर और एक पैरट उड़ के फिर पेड़ के डाली में बैठा ब्रांचेस में बैठ गया तो फिर यहाँ पे कितनी हो गया वन और वन मिलके दो हो गया तो मतलब जोड़ना पुटिंग टुगेदर मतलब एक साथ प्लस करना दोनों या तीन बहुत सारे संख्या कुछ भी हो सकता है आपके पास दो टॉफ़ी है मम्मी ने और दो टॉफ़ी दे दिए तो आपके पास कितना टॉफ़ी हो गया पहले से ही दो था और मम्मी ने और दो डाल दिया तो टोटल आप काउंट करो 1 2 3 4 मतलब प्लस हो गया मतलब 4 टॉफ़ीज हो गया तो प्लस मतलब जोड़ना इसी को हम बोलते हैं क्या एडिशन तो आज का जो टॉपिक है हम एडिशन के बारे में सीखेंगे एडिशन बेटा बहुत तरह का हो मतलब बहुत तरीके से हम सीखा जाता है एक है लाइंस ड्रॉ करके होता है एक होता है फिंगर्स काउंट करके होता है तो आपको जो पहला आप सीख रहे हो इसलिए आपको पहले प्रोसेस थोड़ा सा इजी सिखाऊंगी जैसे लाइन ड्रॉ करके ओके सबसे पहले हम बुक पढ़ लेते हैं बुक पढ़ की आप 52 या और 53 पेजेस खोलोगे ठीक है इसमें से देखो कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है इसमें देखो लुक हियर सम गिवन पिक्चर लुक एट दिस हाउ मेनी आइसक्रीम वन यहाँ पे वन है तो आप इसके नीचे वन लिखोगे फिर हाउ मेनी आइसक्रीम वन यहाँ पे भी वन है अब दोनों आइसक्रीम को एक साथ जोड़ दिया तो वन और वन कितना हुआ कितना आइसक्रीम हुआ वन टू तो आपको काउंट एंड राइट जैसे किए हो ना लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास में वैसे काउंट एंड राइट आप इसमें तो छोटे छोटे आपको दिख रहा है छोटे छोटे नंबर्स के साथ आप काउंट करके फिर लिख रहे हो फिर आप जब बड़े क्लास में जाओगे तो बड़े बड़े नंबर के साथ भी आपको एडिशन का ये एक्टिविटी करना पड़ेगा ओके फिर देखो हाउ मेनी जॉग्स हियर वन टू तो आप नीचे टू लिखोगे एंड हाउ मेनी जॉग्स वन तो टोटल हाउ मेनी जॉग्स वन टू थ्री तो आप इसको एक साथ जोड़ के थ्री लिखोगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी इंक पॉट वन तो यहाँ पे हमने वन लिखा फिर हाउ मेनी इंक पॉट्स आर देयर वन टू थ्री हमने थ्री लिखा अभी इन सारे को एक साथ मिला दिया यहाँ पे लिख दिया तो टोटल कितना हुआ वन टू थ्री फोर तो यहाँ पे हमने फोर लिखा ओके नेक्स्ट क्या है हाउ मेनी कीज आर देयर वन टू थ्री तो हमने यहाँ पे थ्री लिखा हाउ मेनी कीज आर देयर यहाँ पे लिखोगे वन टू थ्री फोर तो यहाँ पे हमने फोर लिखा तो ये टोटल सारे कीज एक साथ मिला दिया तो तब आपको एक साथ जोड़ना पड़ेगा काउंट करना पड़ेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन तो आप देखो फिर से मैं काउंट कर रही हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो आप यहाँ पे सेवन लिखोगे मतलब आपको काउंट एंड राइट जैसे हमने पिछले क्लास में क्या सीखा था काउंट एंड राइट में आपको कुछ पिक्चर्स दिया जाता था आप उसको काउंट करके पास में लिखते थे इसमें क्या हुआ आपको लेफ्ट साइड में कुछ नंबर्स दिया जाएगा फिर आपको उस सारे पिक्चर्स को इकट्ठा करके मतलब टोटलिंग करके आपको राइट साइड में लिखना है काउंट एंड राइट मतलब टोटल करके लिखना है पुटिंग टुगेदर तो आपको एक साथ जब हम एक साथ करते हैं तब टू और मोर थिंग्स मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ को हम जब एक साथ जोड़ते हैं उसी को हम बोलते हैं एडिशन तो आज हमने ये एडिशन कर दिया अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं नेक्स्ट पेज में हम जो करेंगे तो उसको ड्रॉ करके लाइंस को ड्रॉ करके हम सीखेंगे देखो बेटा यहाँ पे क्या है फाइव और फोर है तो आपको तो इतनी बड़ी नंबर कैसे आप करोगे तो आप क्या करोगे फाइव है तो आप इस नंबर के पास में फाइव लाइन ड्रॉ करोगे आराम से धीरे धीरे ड्रॉ करोगे काउंट करते हुए तो फाइव काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव
हमने 5 लाइंस ड्रॉ किया, फिर नेक्स्ट क्या है, कितनी लाइंस ड्रॉ करना है, 4, जितनी नंबर्स लिखा रहेगा उतनी लाइंस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो 4 है तो आप लिखो 4, 1, 2, 3, 4 हो गया। अभी टोटल आपने कितनी लाइंस ड्रॉ किया तो आपको शुरू से काउंट करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे टोटल कितनी लाइंस है, 9, तो आप यहाँ पे 9 लिख दोगे। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कितनी नंबर है, 1, तो आप 1 लाइन ड्रॉ करो, हाउ मेनी नंबर्स हियर, 3, तो आप 3 लाइंस ड्रॉ करो, 1, 2, 3, टोटल लाइंस हाउ मेनी टोटल लाइंस, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे हमने 4 लिखा, ओके। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज दिस नंबर, 3, देन ड्रॉ 3 लाइंस, एंड व्हाट इज दिस नंबर, 4, ड्रॉ 4 लाइंस, ओके। अभी टोटल हाउ मेनी लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमने 7 लाइंस ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ पे देखो कितनी नंबर है, 3, तो हमने 3 लाइंस ड्रॉ किया। 0, 0 मतलब कोई नंबर यहाँ पे नहीं है, तो आप कुछ नंबर कुछ लाइंस ड्रॉ नहीं करोगे, तो कितनी लाइंस ड्रॉ किया आपने, 3, तो जितना लाइंस ड्रॉ किया उतना ही यहाँ पे लिख दो, ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 5, ओके, तो 5 लाइंस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो 5, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1 है तो 1 लाइन ड्रॉ करो, ओके। फिर आपको टोटल काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 है तो 5 लाइन ड्रॉ करो, 1, 2, 3, 4, 5, फिर भी नीचे फिर 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5। अभी आपको देखना है यहाँ पे टोटल आपने कितनी, टोटल मतलब सारे कितने लाइन आपने ड्रॉ किया, तो शुरू से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो मैम एकदम धीरे धीरे काउंट कर रहे हैं, आपको भी धीरे धीरे एकदम नीचे फिंगर को इंडेक्स करते हुए आपको धीरे धीरे काउंट करना है, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 9, तो 9 लाइन ड्रॉ करो, 9 लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर नीचे कितनी लाइन है, 1, तो 1 हमने कट दिया। अभी टोटल कितनी लाइंस आपने ड्रॉ किया सारे काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो आप यहाँ पे 10 लिख दो, ओके। फिर क्या है, 2 है तो 2 लाइंस हमने ड्रॉ किया, फिर कितना है, 6, तो 6 लाइन ड्रॉ करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। अभी टोटल काउंट करो कितनी लाइंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, ओके, तो 5 कितनी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, 5, तो हमने 5 लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। फिर कितनी है, 0, 0 मीन्स कोई नंबर नहीं है, तो आपको कोई लाइंस भी ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, तो आपने कितनी लाइंस आपने ड्रॉ किया, 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 2 है तो आपको कितनी लाइंस ड्रॉ करना है, 2, फिर नीचे देखो कितनी है, 2, तो यहाँ पे भी 2 लाइन ड्रॉ करो, फिर टोटल कितनी लाइन आपने ड्रॉ किया, 1, 2, 3, 4, तो बस 4 लिख दो यहाँ पे, ओके, समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट ये नंबर कितनी है, 3, तो हमने 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर नंबर कितनी है, 7, तो 7 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल कितनी लाइंस ड्रॉ किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 5, तो हमने 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और नीचे कितनी नंबर है, 1, तो टोटल कितनी लाइन ड्रॉ करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपने 6 लाइंस ड्रॉ किया है, ओके। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कितनी नंबर है, हाउ मेनी नंबर्स, 1, व्हाट इज दिस नंबर, 6, तो 6 लाइंस ड्रॉ करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। फिर यहाँ पे 6, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ओके अभी आप कितनी लाइंस टोटल कितनी लाइंस ड्रॉ किया काउंट करो पूरा शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो यहाँ पे 12 हो गया। फिर नेक्स्ट कितनी है नंबर 4 तो 4 लाइंस ड्रॉ करो 1 2 3 4 और ज़ीरो मीन्स कोई नंबर नहीं है तो आपको ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा लाइन। तो कितनी लाइन आपने ड्रॉ किया जितनी लाइन ड्रॉ किया वो नीचे लिख दो ओके। नेक्स्ट 1 है तो आपको 1 लाइन ड्रॉ करना है। नंबर 2 है तो आपको 2 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टोटल कितनी लाइन ड्रॉ किया 1 2 3 तो बस 3 लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 तो आपको कितनी लाइन ड्रॉ करना है 1 2 3 4 5 फिर कितनी है 8 तो आपको कितनी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। तो टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ओके तो आप यहाँ पे 13 लिख दोगे। तो ऐसा करके आप घर पे आराम से अच्छा से करोगे लाइन ड्रॉ जब करोगे काउंट करते हुए आपको ड्रॉ करना है। ऐसे फटाफट फटाफट लाइन ड्रॉ नहीं करना आपको आराम से धीरे धीरे काउंट करते हुए जितनी नंबर लिखी हुई है उतनी नंबर आपको ड्रॉ करनी उतनी लाइंस ड्रॉ करनी है वो भी काउंट करते हुए नहीं तो आपको रॉन्ग हो जाएगा। तो आज की टॉपिक था एडिशन। एडिशन मीन्स पुटिंग टुगेदर टू और मोर थिंग्स मतलब दो या दो से ज़्यादा नंबर होगा कुछ भी चीज़ें होगा तो उसको जब इकट्ठा करके हम जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडिशन। तो आज हम एडिशन सीखेंगे एडिशन सीखे हैं तो ये जो भी आज हमने किया ये सब के सब आप अपनी बुक में फिलअप करोगे ओके। अब आज नोटबुक में हम नहीं दे रहे हैं नोटबुक में बाद में देंगे। सबसे पहले ये जो चैप्टर है एडिशन ये आप अपनी बुक पार्ट में फिलअप करोगे वो भी नीट एंड क्लीन। बुक में ये जो लाइंस ड्रॉ करोगे ना ये एकदम छोटी छोटी लाइन आराम से क्लियरली करोगे ओके। कोई कटपीट कोई ज़्यादा मतलब डार्टीनेस नहीं चाहिए मुझे एकदम क्लीन नीट एंड क्लीन आपका काम होना चाहिए। जो भी देखो मेरा देखो कितनी नीट एंड क्लीन हमने काम किया तो इसीलिए काउंट नीट एंड क्लीन हुआ क्योंकि मैं काउंट करते हुए लाइंस को ड्रॉ की हूँ इसलिए मेरा कोई गलत नहीं हुआ ना इसको मैंने इरेजर यूज़ की हूँ ना लाइंस को डबल की हूँ कुछ नहीं हुआ। तो आप भी आराम से लाइंस को ड्रॉ करोगे काउंट करते हुए ओके। थैंक यू।